हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब? भाई साहब आज तो मुझे खजाना मिल गया, कितनी खुशी मुझे। भाई यकीन मानिए इतनी गर्मी पड़ रही है कि भाई साहब पंखा भी कूलर भी एसी भी तीनों एक साथ चल रहे हैं। भाई मतलब बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। भाई देखिए पसीने, देखिए भाई साहब मैं इतनी अपने लिए मेहनत करता हूँ भाई, कोई भी लाइक नहीं करता। खैर जो बात है गाइस, यहां पे गाइस आप देख सकते हो कितना सारा, देखिए भाई कबाड़ा नहीं भाई, ये तो खजाना भाई साहब यकीन मानिए। देखिए भाई साहब क्या क्या है, ये आई थिंक जो कार्बोरेटर होता है ना उसका जो फैन है, ये फैन है गाड़ी का। भाई देखिए ये भाई साहब देखिए एसी वाले, आई थिंक ये ब्लोअर है, ये जैसे कि गाड़ी की एसी होती है ना उसका ये ब्लोअर है। भाई साहब ब्लोअर बहुत सारे, देखो कितने सारे ब्लोअर है। देखिए देखिए आई थिंक जो एलपी जो होती है या सीएनजी होती है उसका जो किट है ना, देखिए आई थिंक उसमें लगता है। ठीक है गाइस, आप मुझे बताइए किस लिए लगता है। तो भैया मैंने काफी देखा है गाड़ी में, गाड़ी के पार्ट्स का भरे पड़े हैं भाई जी। कभी देखिए मतलब पूरा का पूरा भाई ये खजाना है भाई साहब, मतलब कम नहीं है भाई, और मिलती भी नहीं चीज आसानी से। और भैया ये क्या है, देखिए आई थिंक ये बेल्ट का है, जो कार की बेल्ट होती है ना। हाँ ये बेल्ट है, देखो यार इसे देखिए गाइस कुछ पता लग रहा था, बेल्ट लग रहा है, बेल्ट है ये। हमारे अमन भाई कैसे भाई, यही पकड़ के ले गए। क्या सोच है रे तेरी कि भाई वहाँ पर खजाना आया है, जल्दी आ जाओ खजाने का पहाड़ मिल गया। इसमें चलो भाई फटाफट चलो तुम भी। तो भैया मैं सोचोगे इसमें से कुछ ले लूं मैं भाई, कोई सही सही से निकालो यार, मस्त मस्त मजबूत मजबूत से। और भाई इनकी टेस्टिंग करेंगे, कोई साफ सुथरे से निकालो। ये साफ है बिल्कुल। और ये कितने वोल्ट पे है? आई थिंक 12 वोल्ट तो होगा कम से कम, है ना। तो क्या लिखा है इस पे, तो कुछ भी नहीं लिखा है। और ये बिल निश्चित नहीं है, नहीं इस पे दो पिन ओनली। चलो एक तो भाई ये ले लो, और ले लो कोई सही सा, निकालो वाला निकालना, ये जो अंदर दबाया वाला। हाँ निकालना, साफ से लग रहा है। ओए हे बदतमीज फैन, टूटा हुआ इसका जो ब्लोअर है। ले गाइस इसकी जो पिन है ना, देखिए ये पिन आउट, देखिए ये रही अलग है। और भाई कोई देखो सही से जो हमारे काम भी आ जाए, ये भी ठीक सा लग रहा है ना। क्या भाई? भाई ये आई थिंक ये वाइपर का है, ये गियर मोटर है इसमें, है ना। आई थिंक मतलब पक्का नहीं कह सकता। और भाई लोग बताएंगे हमारे ये कहाँ का है गाड़ी का ही पार्ट्स। देखो भाई और सही से देखो, फैन लेके चल रहे फटाफट, टेस्टिंग करेंगे भड़े से की। और ये भी एसी हो रहा है, तो ये सारे स्क्रैप में है। हाँ ये भी ठीक सा लग रहा है। चलो भाई दो हो गए, एक और दो, ठीक है भाई। और भैया कुछ नई चीज हो, ये भी ठीक है, लेकिन यार हम दो लेके जाएंगे बस भाई, दोनों ठाले वाले लौट के लल्लू घर को आए। अरे तू जा रही भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, हालत खराब भाई साहब यकीन मानिए। हालत खराब भाई, हाथ दिखाना। देखो भाई हाथ काले हो जाएं पर मुंह काला ना होना चाहिए, मतलब मुंह नहीं काला होना चाहिए। तो भाई पहले थोड़ा सा महंगा लेते हैं या सस्ता लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ए अनंत भाई बहुत पसीना आ गया। देखो भाई पता नहीं सबको देखने देखेंगे, लेकिन भाई बहुत गर्मी हो रही है भाई, अभी नहा के निकला हूँ। तो भाई साहब ये दो आप ब्लोअर हैं, तो भाई ये दो ब्लोअर है, और एक बड़ा है, एक बड़े मियाँ और एक छोटी मियाँ। गाइस यकीन मानिए भाई मेरे को नहीं पता भाई ठीक है नहीं है, लेकिन भाई ऐसे ठीक लग रहे हैं, मतलब इनमें कोई भी रुकावट नहीं है, जैसे जैम होते हैं ना जैम भी नहीं है। और ये वाला ये भी ठीक लग रहा है, ये बीएलडीसी में नहीं है। तो भैया इसके जो कार्ब है ना, ऐसा गाइस आपको नहीं दिखेंगे। तो इसमें दो बार तो ये रहे, देखिए इसके ये रहे इनपुट ये रहा, और इसका जो इनपुट है इसका इनपुट ये रहा, ठीक है। तो भाई मेरे पास चलाने का तो कोई खास है नहीं, वैसे गाइस बार बार चलेंगे गाइस बहुत जल्दी, वैसे गाइस चालू हो गया। हाँ तो गाइस आप जाके देख सकते हो, फाइव ही मैंने भाई साहब, ये मतलब 6-7-8 फंक्शन करता है तीनों। रोलर भी, रोलर के तीन काम है, दो काम इसके दो काम इसके, तो सात हो गए। प्रमोशन करा अपना, वीडियो तो है अपनी तो है भाई, जिसने नहीं देखी देख लो बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस फटाफट से देखते हैं भैया, एक दिक्कत और भी होगी कि भाई साहब अगर चल भी गए, देखो पहले इसके अंदर आपको दिखाता हूं, जाओ देखो भाई साहब इसके अंदर देखिए, ये इसका कम्यूटेटर चमक रहा है ना, देखो ये रहा ठीक है ना। और भाई साहब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या है, कुछ चमक रहा है चमक रहा। पहला गाइस इसकी हालत देखो, मतलब साफ सुथरा है लोंडा, ना कहीं से टूटा हुआ है। ओ सॉरी यहाँ से बोलते टूट गया क्या, मतलब वैसे कोई खास टूटा हुआ नहीं है, इसे रख दो कभी और टूट जा। और ये वाला देखो, ये थोड़ा सा गंदा है ना, इसमें गाइस काफी धूल मिट्टी जम रही है देखो। और इसमें है कोई होल सोल ना, इसमें कोई होल ऐसा नहीं है। देखो इसका कार भी भाई साहब बिल्कुल फिट है, देखो ये भाई ये रहे। बस कोमोटर पे देखिए कार्बन ठीक है। तो भाई माल तो हमें अच्छा मिला है, अब बात गाइस ये कि भाई चलना चाहिए, भाई चलेगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा, जो बात है मतलब गर्मी फुर, मतलब भाई मजा है, एसी की जरूरत ना गाइस, गर्मी फुर हो जाएगी बिल्कुल। चल झूठा। तो भाई अभी तो चेक करके देखते हैं, और भाई इस तरह चलने का है, ज्यादा पावर लेगा, हाई एम्पीयर है, और इतना एम्पीयर नहीं दे पाएगी। बड़े वाले तो बहुत ज्यादा 24 वोल्ट के भाई मरवाओगे। मोटर ना वैसे भी तो एक तरीका है हमारे पास। तो भैया ये रही हमारी बैटरी, भाई हटा दो पावर सप्लाई, हटा दो भाई, चल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन यार एक दिक्कत आने वाली है, वो देख लेंगे, वो भी पहले देखते हैं इस पर चार्ज है ना। हाँ चार्ज है, चलो एक तो लग गया। ओह ओह हो मतलब इस पावर लगते रही भाई, मतलब थोड़ा चला था। ओह
कितनी पावर है भाई, इधर को आ। ये लड़का बताएगा कि भाई हवा कैसी है। भाई किधर को देखाया हुआ, फैला के जरा नीचे को। देखो भाई मेरे बाल क्यों उड़ रहे हैं। ओ भाई ये वायर हीट हो रहे हैं, हल्के हल्के गाइस गर्म हो रहे हैं जबकि यहाँ पे एसी चल रहा है। ओ भाई साहब क्या हुआ है, देखो भाई, देखो भाई इसके बाल हिल रहे हैं। ओ कमाल होगा, इसके बाल हिल रहे हैं, कैड़े बाल है भाई। ये देखिए कभी भी तो खुद ही बालों खा जाता हूँ मैं, की सारी धूल भी इसमें बाल है अभी। अरे कर लिया जाए तो करता क्या होगा, सीधा करवा ले, चाल चलन का पता लग जाता आदमी का, जैसे बाल ऐसे रहते मेरे सीधे बाल में, सीधा आदमी। गाइस प्लीज दिल पर लेना इस बात को, सॉरी दिल मत लेना। ओके तो देखो भाई, भाई साहब मतलब बहुत अच्छा हुआ है और ये साइलेंट है, मतलब आवाज नहीं करना चाहते। तो भाई ये तो मतलब मजे वाली चीज होगी गाइस। एक इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मोटर भी है और भाई ब्लोअर भी है, ठीक है। ये इसके अंदर इनबिल्ट मोटर है और ये ब्लोअर है, तो भाई काफी मस्त है। और ये छोटा वाला है ना गाइस, बड़ा वाला देखते हैं। तो भैया गरीब के पास बैटरी बनाया है तो जुगाड़ कर गाइस इसकी बैटरी यूज कर रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू, ठीक है, आई एम सॉरी बाबू। और क्या कही मैंने, और कही मैंने, तो भाई मैं गिनना वाला था अभी। तो इसके बेचारे का लंच टाइम हो गया है। वहाँ भी क्या बना घर पे, चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली बना, चला जा सेक चिल्ली, गजब बेइज्जती है। हलवा पूरी खा गया, झूठ बोल रहा। मैं तो हलवा पूरी खा गया हूँ, तो रसगुल्ले पेल गया हूँ, दाल के नाम पे झूठ बोल रहे। जा तू भांडा मत, तू जा एक काम कर, चल निकल, सतरे भेज दो भंडार में जा रहा हूँ कभी, चिकन चिल्ली बना, वहाँ भंडार हो रहा वहाँ जा रहा भाई। मैं तो कुछ भंडार, दो पूरी हमारे लिए भी ले। चलो भाई इसकी टेस्टिंग करते हैं, वो छोटा वाला ये बड़ा वाला है ना, तो देखते हैं भाई। यार ये तोड़ जाता पावर ले, हाँ तो जा। अरे धूल मट्टी, अबे यार बड़ी दिक्कत है भाई, ये पुराना है ना तो भाई एकदम से आता था आंधी में से आती है ना वो धूल मट्टी की। अरे कितनी धूल मट्टी है भाई, अभी तो नहा यार, सारे धूल मट्टी हमारे नसीब में लिखी है यार। अरे बड़ी दिक्कत है यार, नहा लिए और लगना रहा ना, हम लड़के हैं भाई, नहा ले मुंह धोने एक से लगते हैं। तो इस बार मैं सोचता हूँ कि क्या फायदा नहा धो के, लेकिन यार खुद को अच्छा लगता है, लगते तो नहीं पर कह तो सकते हैं कि नहा कहे, नहाना चाहिए भाई, चार साल में एक बार नौ पर आदमी नहाना जरूर चाहिए। मैं आके बंद कर लूँ, धूल मट्टी। ओ भाई इसमें यार बहुत तेज आवाज, भाई भाई मान गए, ये गाड़ी में लगता है क्रेटा की आवाज में से आया भाई, जब चलता ना भाई फैन चलता है ना ऐसी आवाज आती है ना। और ये ब्लोर है भाई, अच्छा मस्त बढ़िया। देखो भाई नीचे को जा रही सारी, देखो बालों को देखते तुम्हें, छोटे छोटे बाल भाई फिर भी हिल रहे, हिल रहे भाई। अभी कटवा का हूँ यार, कटवाने पर नहाया था, ओ कटवाने के बाद आया था, आई एम सॉरी, जवान फिसल गई, पता नहीं जवान ऐसी जगह चलती जो है जो फिसल जाती है। अबे साले। तो भैया ये दोनों बिल्कुल ओके हैं, यकीन मानिए भाई मैंने अभी तक इनके पैसे नहीं दिए हैं, जो ओनर है जहाँ से मैं लेकर आया हूँ वो है ही नहीं, तो मैं सोचा फ्री मिल जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लग रहा था उनके, तो अब जाके देने पड़ेंगे पैसे। मन्ना भाई मैंने सुना कि कबाड़े लोग जो थे बहुत मार भैया, मतलब बहुत मार रहे हैं, लिटल लिटल कमा रहे हैं। देखो भाई साहब मेन चीज तो ये है, सपोज करो मैंने फ्री में लेकर आ गया, उन्हें पता लग गया लोगों, उन्होंने भी मेरी चीज तुड़ाई करी, अब देखो मुझे दर्द तो हुआ प्लस अस्पताल खर्चा भी मैं ही दूंगा, वो नहीं देने के। तो अच्छा भाई ये है कि पैसे बचा लो, अब आपको किस समय पैसे कैसे बचेंगे भैया, बचेंगे देखो, अगर मैं जाके दूंगा तो थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इज्जत की इज्जत रहेगी। बात तो सही है भाई, क्या कारिस्तानी कर रहे हो, तुम भी चलाने की कोशिश कर रहे हो, लो कर लो, छोड़ मत देना। कैसे वाह मस्त, गलत लगाया तुमने, बिल्कुल सरासर गलत लगाया तुमने, गलत किया इसके साथ, थोड़ा आगे भी कर लो, ऐसे भग रहे कि भाई भगे जा रहा है, शर्म भी इतना आती। एक काम करते हैं अब, कैसे उल्टा चला के देखते हैं, है ना, वैसे इस पर प्लस माइनस लिखा है, मुश्किल जगह वैसे कम दे रहा है ना, पहला कम हो रहा, हवा तो देगा, सिंपल सी बात यार, ये बड़े गर्म हो रहे हैं भाई, मतलब पावर ज्यादा ले रहा है। तो भाई साहब बारी आती है, ये कितने के हैं भाई, पुराने हैं, मैं उनसे यानी कि शादा भाई से इन्हें लूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से अभी तो वो लेन चुके हैं, उनके पप्पा थे, उनके भैया से पूछ के मैं लेकर आया हूँ, भैया मैं लेकर जा रहा हूँ, अगर ये ठीक निकले तो मैंने ले लूंगा, है ना, जितने के भी होंगे, और ठीक नहीं निकले तो तुम रखना अपना ससुरा कबाड़े को, हमें जोतना है, लेकिन वैसे मजाक कर रहा हूँ भैया, हम कबाड़े भी लेते थे कभी। तो भाई मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे, ऊपर से हम देने साफ कर दिए, अब ये समझे यार तुम तो नए पीस लेके, और मैं बताएंगे भाई जल्दी देना गंदा कर मट्टी। तो गाइस मुझे नहीं पता कि भाई ये कितने के मुझे मिलेंगे, अगर दो ना लाया तो एक तो मैं ले लूंगा, थोड़ा सा कॉस्ट ले रहा तो मैं एक ले लूंगा, वरना गाइस दो ले लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, मतलब अभी एंड नहीं कर रहा ना, वो आ जाएंगे उनसे पूछ लूंगा कितने रुपए के, ठीक है, अभी आपको बता दूंगा, इस वीडियो बताऊंगा, रुके रहो बने रहो। तो गाइस खुशी की बात है कि शायद भाई आगे हैं और मैं उनके पास जा रहा हूँ, देखने क्या देना है इनका, चेक कर लिया मैंने, ठीक है, हाँ दोनों, चलो रख दो भाई, ऑनलाइन कर दूं, चलो। अरे ना इन्हें तोलो मत ना, तोलने की चीज ना। तो भाई ये मिले हमें 250 + 250 500, आई थिंक मान के चलता हूँ 200 या 300, मतलब कुछ भी कह सकते हो, ये छोटा ये बड़ा दोनों 500 रुपए के चालू है। हाँ ना ए बराबर से वो है काम पे, काम आ रहा तराजू, वेइंग स्केल रखो जरा, भी देख लेते हैं, रुक जाओ चलो,
देखो 1171 से 72 ग्राम एक किलो से ऊपर है। चलो 1144 ग्राम, कह रहा था ना एक से लग रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा कुछ ग्राम हल्का है। कह सकते हो गाइस की जो आते इंपेलर है इसमें छोटे है ना, तो थोड़ा सा वेट कम। तो गाइस आपको क्या लगता है 500 में कई ठीक है या थोड़े ज्यादा कॉस्टली दी? देखा इस मेरे हिसाब से तो 500 तक ठीक है। अगर आप पुरानी चीज लेने जाओगे और वो ठीक है, ओके ओके है, बढ़िया है, काम कर रही है, तो नए के मुकाबले काफी चीप रेट में मिल जाती है और गाइस हमारा काम पूरा हो जाता है। और गाइस मिलना चीज का बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस ब्लॉग को। प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा और ये मोटर ठीक प्राइस मिले या थोड़े से कॉस्ट नहीं मिले। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।